पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई तो चार राज्यों में बीजेपी की। इस जीत के बाद दोनों ही पार्टियों के हौसले बुलंद है और दोनों की निगाहें अब टिक चुकी है राजस्थान पर। जी हां, 2023 में राजस्थान में चुनाव है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो सत्ता वापसी करेगी और मोदी मैजिक फिर से चलेगा। कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो राजस्थान में अपने किले को बचाए। इस बीच आपने भी बिगुल फूंक दिया। दरअसल दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी राजस्थान में संगठन के विस्तार में जुट गई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने रविवार को राजस्थान में पहला बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया। जयपुर में आयोजित इस सम्मेलन में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हुंकार भरी और दावा कर दिया कि 2023 में बदलाव होने वाला है। बता दें कि सम्मेलन बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। ध्यान देने वाली बात तो ये थी कि पार्टी के नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को आप में आने का खुला न्योता दे दिया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि सभी अच्छे लोगों का यहां स्वागत है, हमें अब ना रुकना है और ना थकना है। 2023 में राजस्थान फतह करके ही दम लेना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और बसपा में भी अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे नेता वहां परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के दरवाजे अच्छे नेताओं के लिए हमेशा खुले हैं। पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी का अगला पड़ाव राजस्थान है। दिल्ली मॉडल और पंजाब में मिली जीत के बाद आपने राजस्थान के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। तो वहीं आप राजस्थान के नए प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के बीच पैक्ट है, मिलकर लूटो की नीति है। हमारे दो टारगेट हैं, राजस्थान में संगठन का विस्तार करना और फिर 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना। तो अब देखना होगा कि 2023 का चुनाव कितना रोमांचकारी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।